दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट परीक्षा विशेष की दृष्टि से विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग हल करते हैं विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। दोस्तों स्टडी 91 में हिंदी मात्र और मात्र दोस्तों 999 रुपये में हिंदी का बैच, यूपी टेट 999 रुपये में, सुपर टेट 1799, आर ओ 499, SSC GD 699 और वीडियो मॉक टेस्ट मात्र 249 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। और पहला प्रश्न ही दोस्तों गद्य अंश से रखा गया है। किससे रखा गया? गद्यांश से रखा गया है। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और प्रश्न हम लोग गद्यांश को। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरे समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर उसके बाद दिए गए प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से समुचित उत्तर को चुन करके लिखिए। संस्कृत भाषा अति वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, अस्याह वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं, कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति, गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमं आर्यभट्टः अकरोत्, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्धं, संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं रसायनशास्त्रं खगोलविज्ञानं ज्योतिषशास्त्रं विमानशास्त्रं इत्यादीनि उल्लेखनीयानि, संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यथा सत्यमेव जयति वसुधैव कुटुम्बकम्, विद्यायामृतम स्नुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः, सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारः कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत ग्रन्थेषु मानव जीवनाय विविधाः समाविष्टाः सन्ति। आम ते सत्यं कथयन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति एतेषु ग्रन्थेषु। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तम च अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। ये था दोस्तों गद्य अंश। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके अर्थ को। संस्कृत भाषा अति वैज्ञानिकी, संस्कृत भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते, कि संस्कृत ही संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याह वाङ्मयम्, इसका वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः, वेदों पुराणों नीतिशास्त्रों चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदि कवियों विश्वकवियों के काव्य सौंदर्यम अनुपम, काव्य का सौंदर्य अनुपम है, जिसकी उपमा ही ना दी जा सके। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में, संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि, संस्कृत में जो अन्य शास्त्राणि विद्यन्ते, शास्त्र विद्यमान हैं, उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ
अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य ही जय है, सत्य का ही जय होता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही परिवार है। विद्यामृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा ही अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कौशल है, इत्यादि आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत, सभी भूतों में स्वयं का व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक रूप से शिक्षित करती है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं यत कि संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा समाविष्टा, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के समाविष्टा संत, विभिन्न प्रकार के लोग, विविधा समाविष्टा अनेकानेक प्रकार का समावेश है। आम ते सत्यम कथयन्ति, हाँ वे सत्य कहती हैं। महापुरुषाणां मति ही, महापुरुषों की मति, उत्तम जनानाम धृति ही, उत्तम जनों का धृति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य जनों का जीवन पद्धति, वर्णिताः सन्ति एतेषु ग्रंथेषु, वर्णित हैं इन ग्रंथों में। अतः अस्माभिः, इसलिए हम सब के लिए, हम सब के को संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, संस्कृत को अवश्य पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च, उससे उसके द्वारा मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। परिष्कार आप भावति कर सकते हैं दोस्तों, परिष्कार होता है। उक्तम च, कहा भी गया है और कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, है मित्र संस्कृत अमृत सदृश है। सरसम सरलम वचः, और कैसा है, सरस है। ऐ मित्र, संस्कृत अमृत के समान है, सरस है, सरल है, वचा वाणी के रूप में दृष्टिगोचर होती है। भाषासु महनीयम यद, जो भाषाओं में महनीय है, महान है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और जो ज्ञान विज्ञान का पोषक है, ऐसी संस्कृत भाषा है। आइए दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अद्यतन संस्कृत भाषा कस्य कृते समुपयुक्ता भाषा मन्यते, कह रहे हैं आज भी संस्कृत भाषा किसके लिए समुपयुक्त भाषा मानी जाती है, गणित के लिए, खगोल विज्ञान के लिए, विमान शास्त्र के लिए, संगणक के लिए। दोस्तों तो कौन सा विकल्प सही होगा, संगणक के लिए, संगणक के लिए उपयुक्त भाषा मानी जाती है। पहले का डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। कथितम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कथितम इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है, उक्तम प्रसिद्धम कथयन्ति उल्लेखनीय यानी उक्तम, कौन सा विकल्प सही होगा, प्रश्न संख्या दो का विकल्प ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कस्मिन विभक्ते, कस्मिन पदे सप्तमी विभक्ति ही अस्ति, ते जगत विद्यन्ते अश्नुते, जगति, जगति का रूप सप्तमी एकवचन में क्या होगा दोस्तों, जगति रूप बनेगा। अगला है द्वंद्व समास से उदाहरणम अस्ति, द्वंद्व समास का उदाहरण है, विमान शास्त्रम विश्व प्रसिद्धम जीवन पद्धति चरक सुश्रुतियो चरकश्च सुश्रुतश्च इति चरक सुश्रुतियो, द्विवचन का प्रयोग है। प्रश्न संख्या चार का विकल्प डी सही विकल्प होगा। दोस्तों अपनी हिंदी नितिन सर द्वारा लिखित पुस्तक मात्र 299 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की पुस्तक 199 में पेट, 350 रुपये में पेट की बुक, 300 रुपये में आरओ आरओ की बुक, 175 रुपये में लेखपाल कम्बो, मात्र 300 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है दोस्तों तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके फ्री डिलीवरी के माध्यम से इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः केन भविष्यति, मनुष्य का और समाज का परिष्कार किसके द्वारा होगा, संगणक के प्रयोग के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, या संस्कृत भाषा पठने ने गणित शास्त्रेण, संस्कृत भाषा पठने, संस्कृत भाषा पढ़ने के द्वारा समाज का और मनुष्य का, मनुष्यस्य मनुष्य समाजस्य समाज परिष्कारः का परिष्कार किसके द्वारा होगा, संस्कृत पढ़ने के द्वारा होगा। प्रश्न संख्या पाँच का कौन सा विकल्प सही होगा, पाँच का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है चरक सुश्रुति योह योगदानम कस्मिन शास्त्रे अस्ति, चिकित्सा शास्त्रे, संगीत शास्त्रे, काव्य शास्त्रे, काव्य शास्त्रे, विमान शास्त्रे। तो दोस्तों चरक और सुश्रुत किस में है दोस्तों, काव्य शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या छः का विकल्प सही उत्तर होगा। आर्यभट्टस्य योगदानम कस्मिन शास्त्रे, आर्यभट्ट का योगदान किस शास्त्र में है दोस्तों, समाज शास्त्र, वास्तुशास्त्र, गणित शास्त्र,
चिकित्सा शास्त्र तो गणित शास्त्र है, कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प बिल्कुल सही। दोस्तों जवाब देते चलिए, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। गणित शास्त्र में दोस्तों शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किसका किया था? शून्य का प्रतिपादन, जिसको आप शून्य कहते हैं ना, जो अगर इकाई के बाद अगर लग जाए ना तो दहाई को कर देता है, और दहाई के बाद लग जाए ना तो सैकड़े को बना देता है, सैकड़े के बाद बन जाए ना तो सहस्र हजार को बना देता है, हजार के बाद अगर लग जाए ना तो दस हजार को बना देता है। बहुत यानी कि शून्य का प्रतिपादन महत्वपूर्ण है। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र से प्रतिपादक अस्ति, अर्थशास्त्र के प्रतिपादक हैं चरक, कौटिल्य, कालिदास, सुश्रुता, कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसकी रचना है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की। किसकी है? कौटिल्य की, जिसको चाणक्य कहा जाता है। कस्मिन पदे अनियर प्रत्ययास्त, किस पद में अनियर प्रत्यय है इत्यादि उल्लेखनीयानि अन्यानि वैज्ञानिकी, उल्लेख प्लस अनियर प्रत्यय उल्लेखनीय क्या बन जाएगा? उल्लेखनीय। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, बी विकल्प। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आरओ यारो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स का बैच मात्र 1999 रुपए में दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी व्यवस्था दोस्तों आप प्राप्त करते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों शिक्षण से संबंधित है, बताइए वाचन अभ्यास समय को भी छात्र पाठागतस्य शब्दस्य स्थाने किमपि अन्यम शब्दम वदति, अध्यापकेन किम कर्तव्यम्? कह रहे वाचन का अभ्यास करते समय कोई छात्र पाठागतस्य पाठ में आए हुए शब्द के स्थान पर किमपि अन्यम शब्दम कोई अन्य शब्द बोलता है, अध्यापकेन अध्यापक के द्वारा किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए? पुनः पठतु इत्यादेशा शीघ्र में उदातव्य, फिर से पढ़ो ऐसा आदेश त्वरित देना चाहिए, छात्रा संपूर्णम अंशम पठेत, छात्र संपूर्ण अर्थ को पढ़े अंश को पढ़े, इति विचारी इस प्रकार का विचार करके, तत्क्षणम किमपि न वक्तव्यम उस समय आप कुछ नहीं बोलेंगे, तत्क्षण में शुद्धि करणीय उस समय ही उसको शुद्ध करेंगे या करने योग्य होता है वो, श्यामपट्टे लिखित्वा छात्र, श्यामपट्ट में लिख करके छात्र से कहेंगे, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 10 का बी विकल्प, छात्र संपूर्ण अंशम पठेत, छात्र संपूर्ण अंश को भाग को पढ़ लेना चाहिए छात्र को, यह विचार करके तत्क्षणम किमपि न वक्तव्यम उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, तदुपरांत उसके बाद आप शुद्ध करते हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। कॉपी 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 अध्यापक छात्र से असमीचीन प्रतिक्रियाम अपि उत्साहेन स्वीकृति, सह अध्यापक कह रहे कोई अध्यापक छात्र की असमीचीन प्रतिक्रिया को भी उत्साह के साथ स्वीकार करता है, सह अध्यापक वह अध्यापक छात्राणाम भावात्मक विकासस्य प्रक्रियां सम्यक रूपेण अवगच्छति, छात्राणाम भाषा विकास दृष्ट्या तेभ्य प्रोत्साहनम यच्छति, शिक्षण कौशलम अनुपालयति, संज्ञानात्मक विकासाय प्रयत्नशीला, बताइए कह रहे कोई अध्यापक है छात्र के असमीचीन प्रतिक्रिया को भी असमीचीन अर्थात जो उचित नहीं है उस प्रतिक्रिया को भी स्वीकार करता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उस अध्यापक को क्या कहते हैं, या वह अध्यापक वह क्यों स्वीकार करता है? प्रश्न संख्या 11 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए छात्राणाम भावात्मक विकास से प्रक्रियाम स्वरूप सम्यक रूपेण अवगच्छति, कारण छात्रों की भावात्मक विकास की प्रक्रिया को सम्यक रूप से वो जानता है इसीलिए स्वीकार करता है, प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्यांचित बहुविध भाषा कक्षायाम एतादृशी कक्षा लाभप्रदा भविष्यति, यदा यदि छात्राणाम समान भाषा भाषण दृष्टया समूहीकरणम क्रियते लक्ष्य भाषया संभाषणात्मकम लक्ष्यम प्राप्तुम अन्य भाषा प्रयोग पूर्णतया निषिद्धा भवेत, छात्राः प्रायः परस्पर वार्तालापं कर्तुं असमर्थाः अतः एतादृशी कक्षा फलदायिनी न, प्रायः छात्राः समृद्धाः
समृद्धा भाषा परिवेश कारणात बहुविध उच्चारण प्रक्रियया परिचिता भवन्ति एवं च बहुविध व्याकरणिक संरचनया अपि परिचिता भवन्ति अतः एतादृशी कक्षा अत्यधिका लाभप्रदा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 12 का, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, 12 का डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मिश्रित छात्र योग्यतया संपन्न भाषा कक्षा यही कि महत्वपूर्णम, कह रहे हैं कि मिश्रित छात्र योग्यता से संपन्न भाषा कक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। गृह कार्य से पूर्त्यर्थम अभिभावकैः सह मेलनम्, विभिन्न प्रायोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्राः परस्परं विमर्श कार्यं करिष्यन्ति, सामाजिक कौशल च पठिष्यन्ति, अधिकांकान प्राप्तुं विशिष्ट कक्षायाः आयोजनम, छात्राणां समस्यायाः समाधानं प्राप्तुं मनोचिकित्सकैः सह मिलनम्। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए, ए बी सी और डी में। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, बी विकल्प। विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्राः परस्परं विमर्श कार्यं करिष्यन्ति सामाजिक कौशलान् च पठिष्यन्ति। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रायः छात्राः संस्कृत पाठान पठितुं भावं च स्पष्टीकर्तुं असमर्था भवन्ति, समाधानं किम्। कारण प्रायः छात्र संस्कृत पाठों को पढ़ने के लिए और भाव को स्पष्ट करने के लिए असमर्थ होते हैं, समाधान क्या है? उच्चैः पठनम्, इसका समाधान है कि आप जोर जोर से पढ़िए। समुचितम उच्चारणम श्रुत्वा, समुचित उच्चारण को सुन करके पुनः पुनः उच्चारणाभ्यास या उच्चारण अभ्यास, अध्यापकानां च साहाय्येन भाव कथनस्य अभ्यास, केवलम सरल शब्दानां प्रयोग, अध्यापक द्वारा उच्चारित शब्दानां अनुकरणम्। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो 14 का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, समुचित उच्चारण को सुन करके पुनः पुनः उच्चारण का अभ्यास, अध्यापका नाम च और अध्यापकों के द्वारा सहायता के द्वारा भाव कथन से अभ्यास, भाव कथन का अभ्यास क्या कहलाएगा दोस्तों? तो कह रहे हैं कि प्रायः छात्रा संस्कृत पाठान पढ़तुं भावं च स्पष्टीकर्तुं असमर्था भवन्ति, जब छात्र संस्कृत पाठों को पढ़ने और भाव को जो है असमर्थ, भाव को स्पष्ट करने में असमर्थ हो तो उस समय क्या करना चाहिए दोस्तों? तो समुचितम उच्चारणम श्रुत्वा, जो उचित प्रकार से उच्चारण को सुन करके पुनः पुनः और दोबारा दोबारा आप उच्चारण का अभ्यास करते हैं और अध्यापकों की सहायता से भाव कथन का अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कस्यांचित भाषा कक्षायां विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रेषु आत्मभावं साफल्यभावं आत्मगौरवं च संपादयितुं आवश्यकम् अस्ति। करें किसी भाषा कक्षा में विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रों में आत्मभाव, साफल्यता का भाव, सफलता का भाव और आत्मगौरव का संपादन करने के लिए आवश्यक है। योग्य अध्यापका नाम नियुक्ति, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति या विशिष्ट छात्राणाम समूहीकरणम, विशिष्ट छात्रों का समूह बनाना, ते परस्पर में वार्तालापम करेंगे, वो आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करना चाहिए उनको, अन्यायी सहना और दूसरों के साथ नहीं, विभिन्न विषयों के द्वारा संबद्ध पुस्तकानाम वितरणम, विभिन्न विषयों के द्वारा संबंधित पुस्तकों का वितरण करना, परस्परम सहयोग भावेन और एक दूसरे में सहयोग की भावना के द्वारा पठन पाठन परिचर्याय, पठन पाठन पढ़े गए और पढ़ाए गए पर परिचर्या के लिए अवसराणाम निर्माणम, अवसरों का निर्माण करना।
बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? डी विकल्प, परस्पर सहयोग भावेन, परस्पर सहयोग की भावना से, सहायता की भावना से, पठन पाठन परिचर्चा यही, पठन पाठन पर चर्चा करने के लिए अवसरों का निर्माण करना, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ है जो महाबचत ऑफर के तहत मात्र 1499 रुपये में प्रदान किया जा रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भावता भावत्या कक्षा याम केचन छात्रा संस्कृत द्वारा संभाषण कर्तुम संकोचम अनुभवन्ति भवान भवति कथम साहाय्यम करिष्यन्ति। कह रहे हैं कि भावता भावत्या कक्षायाम, आप की कक्षा में कोई छात्र संस्कृत द्वारा संभाषण करने के लिए संकोच का अनुभव करता है, आप किस प्रकार से सहायता करेंगे? सामान्य विषयान स्वीकृत्य ते किंचित वदेयु, सामान्य विषयों को स्वीकार करके वे सब कुछ बोले ऐसा आदेशेन, आदेश के द्वारा, ते अंते वदेयु, वे अंत में बोले, उनको बोलना चाहिए, इति निर्देशेन, इस प्रकार के निर्देश के द्वारा, वैयक्तिक अनुशिक्षण द्वारा, व्यक्तिगत अनुशिक्षण के द्वारा, या लघु समूहेषु चर्चा कुर्युः इत्यर्थं प्रोत्साहनम्, लघु समूहों में चर्चा उनको करना चाहिए इस प्रकार का प्रोत्साहन दे करके, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो लघु समूहों में चर्चा उनको करना चाहिए इस प्रकार का आदेश, इस प्रकार का प्रोत्साहन दे करके आप क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो प्रश्न क्या 16 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भ त्रुटयः अपि भवन्ति एव, कहें भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भ में त्रुटियां भी होती हैं, त्रुटियां अपि भवन्ति एव, त्रुटियां होती ही हैं, तदर्थम अध्यापकेन, उस अर्थ के लिए अध्यापक के द्वारा, अध्यापिकया, अध्यापिका के द्वारा किम करणीयम, क्या करना चाहिए या क्या करने योग्य है। कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में त्रुटियां अपि भवन्ति एव, त्रुटियां मतलब कई प्रकार की त्रुटियां, अपि मतलब भी, भवन्ति मतलब होती हैं, एव मतलब ही, त्रुटियां होती ही हैं। कह रहे हैं कि तदर्थम उस लिए, उसके लिए अध्यापकेन, अध्यापिकया, अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा किम करणीयम, क्या करना चाहिए। त्रुटिनाम शीघ्रमेव पुनः पुनः संशोधनम, कह रहे हैं कि त्रुटियों का शीघ्र ही दोबारा से संशोधन करना चाहिए, या त्रुटीन संग्रह, त्रुटियों को संग्रह करके त्रुटि अनुगुणम त्रुटि दूरी कर तुम योजना प्रक्रिया च किमपि ने ऐसा स्वाभाविकी प्रक्रिया, दुर्बल छात्राणाम कृते विशिष्ट कक्षा आयोजनम, बताए प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, त्रुटीन संग्रह, जो त्रुटियां हैं उनको संग्रह करके त्रुटि अनुगुणम त्रुटि दूरी कर तुम, त्रुटियों का अनुकरण करके उस त्रुटि को दूर करने की योजना प्रक्रिया चाहे उसकी योजना और प्रक्रिया को बनाना कि किस प्रकार से इन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। जितनी भी प्रकार की भाषा अधिगम में त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं उन त्रुटियों को जान करके, संग्रह मतलब उन त्रुटियों को जान करके कि विद्यार्थी कहाँ कहाँ त्रुटियां कर रहा है, उनको जान करके उनका संग्रह करके उसको दूर करना, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 17 का विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षक का भाषा विज्ञान से कस्मिन विज्ञाने पारंगता भूयात। कह रहे हैं छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक भाषा विज्ञान के किस विज्ञान में पारंगत हुए या होना चाहिए, अर्थ विज्ञान में, वाक्य विज्ञान में, ध्वनि विज्ञान में, या रूप विज्ञान में, बताइए। प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? उच्चारण से दोस्तों संबंधित है, कौन सा होगा? ध्वनि विज्ञान में, किस में होना चाहिए? ध्वनि विज्ञान में, सी विकल्प बिल्कुल सही है। निम्नलिखित इसका गणित संबंधित अक्षमता नास्ति, अक्षत, निम्नलिखित इसका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित से संबंधित अक्षमता नास्ति नहीं है? हाइपरलेक्सिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल
डिसकैलकुलिया। बताइए प्रश्न संख्या 19 का कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों हमने आपसे कहा था ना, जिसको आप डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया जो गणितीय अक्षमता का बोधक होता है, उसमें दोस्तों ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल कैलकुलिया और ग्राफिकल डिसकैलकुलिया ये महत्वपूर्ण हैं, जो कि गणित से संबंधित होते हैं। हाइपरलेक्सिया गणित से संबंधित नहीं होता। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का बैच प्रारंभ है, मात्र 999 रुपए में आप इसके ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश से संबंधित है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनन्तरम प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरे समुचितम उत्तरम चित्वा लिखते कस्मिंश्चित अरणे वसत् इसमें कोऽपि सिंहः पर्वतस्य गुहायां सह दिवा अश्वपत रात्रौ च वने इतस्ततः परिभ्रमन पशून भक्षयत, पशुन भक्षय अभक्षयत होना चाहिए था दोस्तों, नहीं। कदाचित प्रभूतम आहारम कृत्वा अयम सिंहः कस्यांचित वृक्षस्य छायायां सुखेन अश्वपत ततः बहवः मूषकाः विलात निर्गत्य सानन्दं सिंहस्य शरीरे अनृत्यन इतस्ततः तेन पीडितः सिंहः प्रबुद्धः अभवत् तम प्रबुद्धम दृष्ट्वा पलायन्ते सर्वे मूषकाः बिलम तेषां कमपि मूषकं गृह्णात सिंहः कर्तलेन तदा सह मूषकः आर्तस्वरेण अवदत् भो महाराज त्वं किल पशूनां राजा प्रसिद्धः तव पराक्रमः अहं तु क्षुद्र जन्तु मम अपराधम तावत् क्षमस्व माम मा जहि मई दयाम कुरु कदाचिद हम करिष्यामि तौ सहायम इति एतद तस्य आर्तवचनम श्रुत्वा सिंहः तम मुंचत उसको छोड़ दिया। मूषकाः कुत्र निर्गच्छन्ति इसमें बताए। प्रश्न संख्या 20 कौन सा विकल्प सही होगा। कह रहे हैं कि कुतः निर्गच्छन्ति मूषक कहाँ से निकल रहे थे। बिलात गुडात बनात और वृक्ष मूलात कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो 20 का ए विकल्प सही होगा, बिलात बिल से। अगला प्रश्न दोस्तों मूषकाः कुत्र नृत्यन्ति इसमें मूषक कहाँ नृत्य कर रहे। बिले सिंहस्य शरीरे गुहायाम वृक्षोपरि कौन सा विकल्प सही होगा। 21 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, सिंह के शरीर पर नृत्य कर रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों सिंहः एकं मूषकं केन अग्रहणात् सिंह ने एक चूहे को मूषक को किसके द्वारा पकड़ लिया। पादेन बाहुबलेन कर्तलेन दंडेन। प्रश्न संख्या 22 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, कर्तलेन सी विकल्प, कर्तल के द्वारा पंजे के द्वारा पकड़ लिया। अगला प्रश्न है जहि इति क्रियापदस्य लकारः अस्ति जहि इति क्रियापद में लकार कौन सा है। प्रश्न संख्या 23 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, लोट लकार होगा। कौन सा विकल्प होगा, लोट लकार। कस्मिंश्चिद अरणे पदस्य संधि छेदः संधि विच्छेद है। कस्मिंश्चित प्लस अरले या कस्मिन प्लस चिद प्लस रल्डे कस्मिन प्लस अरल्डे कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 24 का दोस्तों तो कस्मिंश्चित प्लस अरल्डे का दा हुआ। दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का नया बैच प्रारंभ है, मात्र 999 रुपए में। अगर आप हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मई इति पदे विभक्ति अस्ति मई इस पद में कौन सी विभक्ति है, तृतीय सप्तमी पंचमी संबोधन। तो अहम माम मया मह्यम मत मम मई सप्तमी विभक्ति कौन सी विभक्ति है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति है। 25 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। सिंहा केन पीड़िता आसीत सिंह किसके द्वारा पीड़ित था। तृतीय सप्तमी पंचमी संबोधन सिंहा केन पीड़िता आसीत सिंह किसके द्वारा पीड़ित था। दोस्तों ये विकल्प क्षमा चाहते हैं इसके लिए गलत, तृतीय पंचमी या तो यहाँ प्रश्न में दिया जाना चाहिए था कि केन में कौन सा है, सिंह
आज देखते हैं इसका उत्तर। सिंह किसके द्वारा पीड़ित? सिंह केन पीड़िता आसीत? सिंह किसके द्वारा पीड़ित हो गया था? ततः बहवः मूषकाबिलात् निर्गत्य सानन्दं सिंहस्य शरीरे अनृत्यन् इतस्ततः तेन पीड़िता सिंहः प्रबुद्धः अभवत्। कह रहे हैं कि ततः वहाँ से बहवः मूषकाः बहुत से मूषक बिलात् निर्गत्य बिल से निकल करके सानन्दं आनंद के साथ सिंहस्य शरीरे सिंह के शरीर पर अनृत्यन इतस्ततः इधर उधर नाच रहे थे। तेन पीड़िता उससे पीड़ित सिंह प्रबुद्धः अभवत् जाग गया। उससे पीड़ित अर्थात बिल अर्थात मूषकों के द्वारा सिंह के शरीर पर इधर उधर नाचने के द्वारा करें अनृत्यन नाच रहे थे इतस्ततः इधर उधर नाच रहे थे। तो इसमें दोस्तों आप बना सकते हैं विकल्प इसका होगा इतस्ततः अनृत्यन मूषकाः अतः सिंहः तेन पीड़िता। इसको लिखना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आप समझते रहिए सिंहा केन पीड़िता। तो मूषकाः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः अनृत्यन अतः सिंहः तेन पीड़िता आसीत। अतः सिंह उसके द्वारा अर्थात इधर उधर नाचने के द्वारा मूषक, अब देखते हैं ना चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं और सिंह के शरीर पर घूम रहे थे वो। तो प्रश्न संख्या 26 और एक ही को पंजे से पकड़ लिया, बाकी सब बेल में भाग गए। तो विकल्प ये दोस्तों जो है गलत है, इसको समझते रहिएगा। निर्गत इति पद में प्रत्यय हास्ति, निर्गत इस पद में प्रत्यय है। लेप प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय। दोस्तों अगर प्रत्यय पूछा जाए ना, प्रत्यय पूछता है तो कौन सा निर्गत नी यहाँ उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेप प्रत्यय, निकल करके, निर्गत निकल करके। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का हैंड रिटन ई बुक्स उपलब्ध है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये प्रश्न क्षमता दोस्तों अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं, जो कि हैंड रिटन ई बुक्स, हैंड रिटन ई बुक्स को ले सकते हैं दोस्तों, हैंड रिटन ई बुक्स को ले सकते हैं। अत्र तत्र इत्यर्थ किम अव्ययपदम, कह रहे हैं अत्र तत्र इस अर्थ के लिए कौन सा अव्ययपद प्रयुक्त है? इतस्ततः किल मा कदाचित, तो इधर उधर, अत्र मतलब यहां, तत्र मतलब वहां, इतस्ततः मतलब इधर उधर होता है। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 4 बजे, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।